बहुचर्चित डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी अजय नारायण सिंह के भाई सह आरोपी विजय नारायण सिंह की गोली मारकर हत्या। सुल्तानपुर बीच शहर के दरियापुर तिराहे पर गोली कांड, जिसमें डॉक्टर हत्याकांड का आरोपी विजय नारायण सिंह को लगी गोली, मौके पर मौत। गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला सुल्तानपुर, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। बाइक सवार बदमाशों ने आरोपी विजय नारायण सिंह को मारी गोली। बहुचर्चित डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड का आरोपी था विजय नारायण सिंह। सुल्तानपुर देर शाम गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा, जब भीड़ भाड़ वाले दरियापुर तिराहे के समीप बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें दो युवक को गोली लगी, जिसमें से एक युवक बहुचर्चित डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी अजय नारायण सिंह का भाई विजय नारायण सिंह बताया जा रहा है, जिसको सिर में गोली लगी, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसका दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। उसको इलाज के लिए सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने इसे लखनऊ रेफर कर दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सुल्तानपुर कुछ वक्त पहले एक डॉक्टर की हत्या की घटना से दहल गया था, जिसमें मुख्य आरोपी अजय नारायण सिंह को जेल भेजा गया था। वहीं सह आरोपी उसका भाई विजय नारायण सिंह था, जो जमानत पर आया था, जिसकी आज सुल्तानपुर के दरियापुर तिराहे पर बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने क्या कुछ कहा, सुने। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में विजय नारायण सिंह और उनके साथी जब पार्टी कर रहे थे, उसी बीच पार्टी करने वालों के लोगों के बीच में झगड़ा हुआ किसी बात को लेकर, और सूत्र के मुताबिक एक व्यक्ति जिसका नाम अजय सिंह, उसने इस व्यक्ति को विजय नारायण सिंह को गोली मारा, जिसमें उनकी आज देहांत हो गई। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए और अग्रिम कार्रवाई हेतु डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। 6 पुलिस टीम गठित कर दी गई है, लगातार कार्रवाई हो रही है। पुलिस को कुछ इम्पोर्टेंट फुटेजेस मिले हैं, उसके साथ साथ पुलिस 2 व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।